सिकंदर साहब यहाँ पर, हुसैन दलवाई साहब यहाँ पर तशरीफ ला चुके हैं, मैं उनका भी तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और उनसे गुजारिश करता हूँ स्टेज पर आकर तशरीफ रखिए। एमपी और मेंबर ऑफ हज कमेटी मोहतरम आली जनाब हुसैन दलवाई, इस्तकबाल वेलकम स्वागत करता हूँ, उनसे गुजारिश करता हूँ कि स्टेज पर आकर तशरीफ रखिए प्लीज। हज के इरादे से अपने सामान्य सफर को तैयार करता है और ये सआदत इतनी अजीम सआदत है, आप सोचेंगे कि लब्बैक, उस वक्त तो हम मौजूद नहीं थे, हमने कैसे लब्बैक कहा, उस वक्त तो हम हाजिर नहीं थे, तो आपकी रूह तो मौजूद थी, आपकी रूह को आवाज दी गई, आपकी रूह ने जितनी मर्तबा महादेश्वर साहब यहाँ पर तशरीफ ला चुके हैं, मैं उनका ऑल इंडिया हज कमेटी और ऑल इंडिया हज कमेटी के मेंबर हाजी इब्राहिम भाईजान शेख इनके जानिब से तहे दिल से खैर मकदम इस्तकबाल करता हूँ, त्यांना मी विनंती करतो त्यांनी स्टेज वरती स्थान पर होण्याची कृपा करावी प्लीज। यूं पैदा इख्तियार कर लिया है, नेकियों के रास्ते को चुन लिया है। शंकर जी यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, मैं उनका ऑल इंडिया हज कमेटी की जानिब से और हाजी इब्राहिम भाईजान ऑल इंडिया हज कमेटी के मेंबर की जानिब से तहे दिल से उनका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ और उनसे गुजारिश करता हूँ स्टेज पर आकर तशरीफ रखे प्लीज। बस मैं अपनी आखिरी बात अर्ज कर दूँ और आपको मैं बता दूँ कि देखिए हज के लिए आप जा रहे हैं, आपको सारे अरकान सही ढंग से अदा करना है और सारी चीज जरा बीच में हट जाओ, स्क्रीन फोटोग्राफर की थोड़ा सा मंत्री विद्यमान आमदार मोहतरम आली जनाब आरिफ नसीम खान साहब यहाँ पर तशरीफ ला चुके, बीच में रास्ता दीजिए प्लीज, उनको जो लोग बीच में खड़े एक साइड में हो जाए, स्टिल फोटोग्राफर थोड़े नीचे बैठ जाए प्लीज। मुख्तार अब्बास नकवी साहब का इस्तकबाल किया जा रहा है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा उसे कबूल फरमाए प्लीज। इसके बाद वाइस चेयरमैन हज कमेटी मोहतरम आली जनाब, सर थैंक यू इसके बाद मैं आशीष शेलर साहब का इस्तकबाल करने की भाईजान से गुजारिश करूंगा, आशीष शेलर साहब इसके बाद इस्तकबाल यहाँ पर होने जा रहा है।
बहुत बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात है। हज कमेटी ऑफ इंडिया की पहली स्टेट मुंबई से आज रवाना होगी 11 बजे। मैं सभी जाने वाले हजों को मुबारकबाद देता हूँ और हमारे बीच में आए हुए केंद्र के मिनिस्टर अख्तर अब्बास नकवी साहब, हमारे बीच में आए हुए हमारे सऊदी एम्बेसी के कॉन्सलेट, हमारे बीच में आए हुए हुसैन दलवाई साहब, हमारे चेयरमैन साहब हेमंत अली कैसर साहब और जीना साहब, कृपा शंकर जी, हमारे आरिफ हुसैन खान साहब, शेजर साहब, हमारे भाड़े साहब, मेयर जो है हमारे काश्मीर साहब, हमारे एम ए खान साहब और मंच पे बैठे हुए हमारे फिरोज़ रानू आपा, हमारे तारिक भाई, सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सब अपने वक्त निकाल के बराबर हाजिर की हाजिर को मुबारकबादी देने के लिए। मैं इतनी आपसे गुजारिश करूँगा कि आप अल्लाह तला के घर जाए और अल्लाह तला के घर जाए कि आप दुआ करें हिंदुस्तान में अमन और शांति रहे, सब में भाईचारा रहे, हिंदुस्तान तरक्की की ओर जाए और अल्लाह ताला हम सबको ईमान की सलामती दे, ईमान की दौलत अदा फरमाए। और इसके साथ में मैं अपने सभी जानने वाले हाजियों से एक गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह के घर आप लोग जा रहे हैं, आप लोग अपना वक्त ज़ाया ना करें, सिर्फ इबादत करें, अपने अरकान पूरी पूरी ताकत और कसरत से करें क्योंकि अल्लाह ताला के बारगाह में आप जा रहे हैं। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को सब लोगों को मुबारकबादी देता हूँ और सब आने वाले जितने भी मेहमान हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़। मेयर साहब और बहुत सारे डिग्नेटरीज को सऊदी कौंसिल जनरल यहाँ आप इस्तकबाल के लिए मौजूद हैं और मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज के इस जलसे में मौजूद हमारे मरकज के वजीर मुख्तार अब्बास नकवी साहब, कौंसल जनरल साहब इब्राहिम भाई, मुंबई के मेयर माणेश्वर जी, आशीष शेलार जी, किशन दलवाई साहब, कृपा शंकर सिंह साहब, सेंट्रल हज कमेटी के चेयरमैन, सेंट्रल हज कमेटी के सीईओ, सभी हज कमेटी के सभी मेम्बरान यहाँ पर बैठे हुए, सभी मौलवी हजरात, सभी उलमाए इकराम, हज बैतुल्लाह पर जाने वाले सभी हुज्जाज इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं सभी हुज्जाज इकराम को अपनी तरफ से दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। जैसा कि दुनिया के हर मुसलमान के दिल में एक जज्बा होता है, एक उम्मीद होती है कि मरने के पहले हज बैतुल्लाह नसीब हो, खाने काबा का तवाफ करने का मौका मिले, सरकार की बारगाह में हाजिरी देने का शर्फ हासिल हो, हर मुसलमान अपने दिल में ये तमन्ना लिए हुए रहता है। आप खुशकिस्मत जो अल्लाह ने आपको सबसे बड़ा अरकान अदा करने की तौफीक दी और असबाब पैदा किए कि आप आज हज बैतुल्लाह पे रवाना हो रहे हैं। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता हूं। मुख्तार अब्बास साहब बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं, हज कमेटी स्टेट की हमारी जो सेंट्रल की हज कमेटी में मेंबरान हैं, हर साल पहली फ्रंट के जरिए यहाँ पर आप सबका इस्तकबाल और तमाम मालूमातें यहाँ पर दिया करते हैं। मैंने पिछली बार भी कहा था, इस बार भी मैं मुख्तार भाई से गुजारिश करना चाहूँगा। मुख्तार भाई आपके रसूख हैं, सऊदी कौंसलेट यहाँ पर बैठे हुए हैं, मक्का मुजमा में काम चल रहा था इसलिए हज का कोटा कम हो गया था, लेकिन अब आबादी के तनातुम के हिसाब से आप भारत की सरकार की तरफ से सऊदी सरकार से हुकूमत से मुतालबा करें कि कोटा कम से कम बढ़ना चाहिए और जब हिंदुस्तान का कोटा बढ़े तो उसमें महाराष्ट्र का कोटा सबसे ज्यादा हो, इसका ख्याल आप रखें क्योंकि हम लोग और उसमें
बांद्रा का भी और हमारे इलाके का भी ज्यादा आप ध्यान रखें। आशीष शेलार बड़ी मेहनत करते रहते हैं, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता हूँ। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, आज के मौके पर शिकवा शिकायत करना मुनासिब नहीं है। मुख्तार भाई से मैंने कहा कि मुख्तार भाई दोबारा मुंबई आए तो मुझे वक्त दे, मैं आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। बहुत सारे मसले हैं, हमारे हुसैन दलवाई साहब दिल्ली में बातें करते रहते हैं, लेकिन बहुत सारे मामलात हैं। हज जैसे मामलात में भी अगर GST लगी रहेगी तो आखिर ये कैसे चलेगा? आपने जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि सब्सिडी खत्म हो, आपने सब्सिडी खत्म की, मुसलमानों ने उफ नहीं किया और हमें सरकार की हज पे बैतुल्ला पे जाने के लिए कोई सब्सिडी की जरूरत भी नहीं है, हमें चाहिए भी नहीं। लेकिन इतना जरूर हम चाहते हैं कि हमारी सरकार, भारत की सरकार, हर तरह से हमें अपने दीनी फराइज में कम से कम कोई दुश्वारी ना पैदा हो, वो रास्ता हमवार करने का काम करे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मुख्तार भाई हमारे और आप सबके जज्बात को समझते हुए जरूर मुल्क के फाइनेंस मिनिस्टर से बात करेंगे और हज पे जाने वालों की जो GST लगाने का काम हुआ है, GST लग गया है हाजियों पर, वो कम से कम कम किया जाए ताकि थोड़ा उनको राहत मिल सके। मैं फिर से आप सबको दिली मुबारकबाद के साथ आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप मक्का मुअज्जमा जब पहुंचे, अराफात के मैदान में जब पहुंचे, मदीना मुनव्वरा जब पहुंचे, तो हम लोग जिस तरह से आप अपने लिए दुआ मांगेंगे अल्लाह की बारगाह में, अपने अहलेयान के लिए दुआ करेंगे अल्लाह की बारगाह में, उसी तरह से इस मुल्क के लिए भी मांगे और हम लोगों को भी याद रखें। यही गुजारिश के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। शुक्रिया, खुदा हाफिज, जय हिंद। जलसे में विशेष रूप से आए हुए हमारे केंद्र के मंत्री, अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री हमारे मुख्तार अब्बास नकवी साहब यहाँ पर उपस्थित, मुंबई के हमारे मेयर विश्वनाथ महाडेश्वर जी, इब्राहिम भाईजान जी, काउंसिल जनरल जी, हमारे हुसैन दलवाई साहब, हज कमेटी के ऑल इंडिया चेयरमैन चौधरी साहब, आरिफ नसीम साहब, कृपा शंकर सिंह जी, इरफान अहमद जी और उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, सभी हमारे भाइयों और बहनों को मुबारकबाद देता हूं। तकरीर तो बहुत लंबी हो सकती है लेकिन नसीब भाई की तरह मैं राजनीति यहाँ करने वाला नहीं, दिमाग में नहीं है, मुंह से निकल। अच्छा, मैं जो आपने जो बात कही है उस बात को तो मैं भी सपोर्ट करता हूँ कि GST या कोई भी तकलीफ हमारे हाजियों को न लगे। अब मैं क्या बोलूं, तो मैंने नसीम भाई से कुछ लिखवा के लिया और वही एक शेर यहाँ से बोल के मेरी बात को खत्म करूंगा। किसी ने सही कहा है, एक बार तो काबा देखे हम एक आस लगाए बैठे हैं, उस शहर की पुरखी भवाओं में एक बार तो जीना सीखेगा। और इस बात को अपने जहन में रखकर अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने शहर के लिए, अपने मुल्क के लिए और पूरे जो हिंदुस्तानी अवाम के लिए हम उस ऊपर वाले से दुआएं मांगे, इस प्रकार से आपको निवेदन करता हूं। बहुत सारी शुभकामनाएं। जाने वाले सब यात्रियों उपस्थित, हमारे सेंट्रल के मिनिस्टर नकवी साहब, सऊदी अरब के कॉन्सलेट जनरल, इन्होंने सब अरेंज किया, हमारे इब्राहिम शेख भाईजान, हुसैन दलवाई जी, नसीम खान जी, प्रकाश शंकर जी, आशीष शेलार जी, सब स्टेज के ऊपर हमारे हज यात्री सगळ्या यात्रियों
शुभेच्छा सगळ्यांकडून मान्य आहे की मराठीत बोला आणि काही हिंदी वरती जबर केलं होतं अजिबात. जेव्हा तुम्ही हजला जाणार तेव्हा एक आंतरिक मनाला शांती मिळणार. अल्लाच्या दर्शनाने आपण एका वेगळ्या आंतरिक समाधानाने स्वतःसाठी कुटुंबासाठी देशासाठी एक चांगलेपणाची भावना घेऊन आपण परत येणार आहात आणि आपल्या जीवनात खूप मोठा बदल होणार आहे. सगळ्यांना खूप खूप मनापूर्वक शुभेच्छा नमस्कार. भारत सरकार के मंत्री मेरे मित्र सम्मानी नकवी साहब हज कमेटी के चेयरमैन मेरे अपने प्रिय कैसर साहब जिन्होंने इसका कई सालों से आयोजन करते आए भाई इब्राहिम जान हमारे सांसद सम्मानी उपेंद्र भाई साहब महापौर सम्मानी विश्वनाथ भाई जोशी साहब मेरे मित्र सम्मानी विधायक आशीष सरार साहब पूर्व मंत्री और हमारे आपके सबके प्रिय हमेशा हाजियों के लिए हज यात्रियों के लिए अकलियत के लिए हमेशा अपनी बात हर जगह भारत सरकार हो दूसरी सरकार हो कहते रहते हैं भाई नसीम खान साहब सी ओ साहब उपस्थित सभी हज कमेटी के मेम्बरान समय वक्त ज़्यादा हुआ है. जैसे सिंह भाई ने कहा आशीष सरार साहब ने कहा मैं यही कहना चाहता हूँ कि कहीं नूरे नबी होगा कहीं नूरे खुदा होगा. तो आप लोगों से मेरी एक ही दुआ है जब वहाँ जाएं और वहाँ जाने के बाद हिंदुस्तान की मजबूती के लिए महाराष्ट्र के लिए मुंबई के लिए आप सब लोग दुआ मांगेंगे और ये दुआ साथ जरूर करना कि मेरे हाथ से कभी कोई गलत काम नहीं होने पाए ये भी दुआ साथ साथ करना. खुदा हाफिज़. हमारे मंत्री साहब मुख्तार अब्बास तकवी जी रॉयल कौंसलेट जनरल ऑफ सऊदी अरेबिया साहब जफर साहब हाजी इब्राहिम साहब हमारे ऑल इंडिया हज कमेटी के चेयरमैन चौधरी साहब आरिफ नसीम खान साहब कृपा शंकर जी जीना साहब मेरी बहन फिरोजा बानू जी कासमी साहब इरफान साहब के मैं महाड़ेश्वर जी और सारे यहाँ मौजूद हज को जाने वाले हमारे सीओ साहब सारे हज कमेटी के जिम्मेदार आप सबको मैं ये आखिरी एक तमन्ना होती है मुसलमानों की कि हमारी हज हो जाए और ये तमन्ना आपकी पूरी होने जा रही है. मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ और ये कहूँगा कि यहाँ GST का जिक्र हुआ मैं ये आपको मालूम देना चाहता हूँ कि हमारी मंत्री जी GST सब धर्म की बातें जहाँ रखे कि खाली ये हज का ही नहीं जहाँ जहाँ दरगाह शरीफ का होने दो और कहाँ होने दो मंदिर का होने दो मस्जिद का होने दो जहाँ जहाँ GST लग गई है वो सारी खलासियों के और सिखों का है क्रिश्चनों का है सबका घर ये GST खत्म होनी चाहिए इसलिए उनकी कोशिश है. और मैं आपको ये चाहता हूँ कि वो मंत्री होने के बाद एक तरह से बहुत ठीक ढंग से काम हो रहा है. अभी कुछ अगले साल में शिव से और से भी लोग जाएंगे बहुत सस्ता हो हज हो गया और जल्दी जाएंगे. ऐसा नहीं कि पहले 15-20 दिन लगते थे ऐसा नहीं. तो ये सारी बातें हो रही हैं आपको बिना तकलीफ के हज आपकी पूरी हो जाए. आप सबके लिए आप जिनको आप जा रहे हैं लेकिन जो जा नहीं पाए कोटे की वजह से उनके लिए भी दुआ करिए. इतना बोल के मैं मेरे भविष्य कदम को का इस्लाम वालेकुम. आजमीन है हज को आपको मुबारकबाद देने के लिए और उनको यहाँ से खैर खूबी से विदा करने के लिए आए हुए हमारे सेंटर के सम्मानित मंत्री नकवी साहब हम लोग के बीच बैठे हुए यहाँ पर सऊदी के कौंसल जनरल साहब बॉम्बे के मेयर साहब यहाँ के महाराष्ट्र के हमारे मंत्री
नसीम साहब, यहाँ के बॉम्बे के मेयर साहब, यहाँ महाराष्ट्र से हमारे मुअज्जिज़ मिले साहब, हमारे बहुत ही नज़दीकी बहुत ही क्लोज हमारे बड़े भाई कृपा शंकर जी, हज कमेटी ऑफ इंडिया के तमाम हमारे मेम्बरान, हमारे वाइस चेयरमैन जिना साहब, हमारे इब्राहिम भाई जिन्होंने बहुत ही ज़माने से आपका इस्तकबाल यहाँ पर किया और आपके अच्छे इंतज़ाम करके रियासत भेजने का काम किया है, उनको शुक्रिया अदा करते हैं उनका, और तमाम हमारे महाराष्ट्र हज कमेटी के तमाम मुअज्जिज़ ऑफिसरान और सबसे ज़रूरी आज़मीन हज जिनको आज मुबारकबाद देने के लिए जिनको आज हम लोग इंतजार करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। बेशक बिलाशक आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं क्योंकि हर मुसलमान अपने दिल में हज में जाने की तमन्ना रखता है और आप चुने गए हैं और वहाँ पर जा कर के आप इंशाअल्लाह जैसे सभी लोगों ने कहा कि आप अपने लिए सबसे पहले दुआ करेंगे, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे, अपने परिवार के लिए दुआ करेंगे, अपने राज्य के लिए, अपने स्टेट के लिए दुआ करेंगे, अपने घर के लिए, अपने मुल्क के लिए दुआ करेंगे ताकि यहाँ पर आफियत रहे, चैन सुकून रहे और इंशाअल्लाह आप एक सफीर के तरह से जा रहे हैं, हिंदुस्तान में एक हाजी दुनिया से जा रहे हैं, एक सफीर का हैसियत रखता है, बहुत जाकर खुशहालियाँ आएंगी लेकिन आपको बहुत ही सब मुल्क से काम लेना उसी का नाम होते हैं, सारे अरकान आप वहाँ पर पूरा करेंगे इन शाला वहाँ से हर मजबूत हो मजबूत करें, हम लोग दुआ करते हैं आपको सारे उम्मा के लिए दुआ कीजिए, सारे मुल्क के लिए, सारे दुनिया के लिए दुआ करें, बहुत बहुत शुक्रिया। बलबीर सिंह भाटिया जनरल मैनेजर टर्मिनल 2 इनका भी यहाँ पर चर्चा होगा, चलिए प्लीज बलबीर सिंह भाटिया سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. معالي وزير شؤون الأقليات لحكومة الهند، معالي وزير تطوير الأقليات، معالي عارف ياسين خان وزير التعليم لحكومة ولاية مهاراشترا، رؤساء لجان الحجة الهندية، الأخوة الحجاج، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني حضور هذه المناسبة الغالية لتوديع ضيوف الرحمن حيث تمت الإجراءات للتأشير لهم هذه السنة بصورة مثالية نتيجة للتعاون بين القنصلية والحج الكوميتي حج كوميتي أوف إنديا، وإننا نؤكد لكم أن أشقائكم ينتظرونكم في أرض الحرمين ليرحبوا بكم ويقدموا لكم كافة التسهيلات، وإننا نتمنى من الأخوة ضيوف الرحمن التعاون واتباع التعليمات الموجهة من الجهات المعنية حتى يتمكن الجميع من أداء هذه الشعيرة العظيمة بأمن وراحة وطمأنينة، وأنا أهنئكم على هذه الفريضة العظيمة، أدعو أصحاب الفضيلة العلماء والدعاء المرافقين لحجاج بيت الله الحرام أن يبذلوا جهودهم في توعية الحجاج وتبصيرهم بأمور دينهم ليتفقهوا أحكام الحج والطريقة الصحيحة لأداء هذا النسك العظيم، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. وفي الختام أشكركم جميعا على دعوتكم لهذا الحفل الوداعي للحجاج، وأتمنى من الله أن يوفق الحجاج لأداء شعيرتهم وأن يعودوا إلى بلدانهم سالمين مهجورين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حج بيت الله کے لیے بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں اور خدا آپ کا حج قبول کرے، ملک کے امن و امان، ملک کی ترقی، آپ کے علاقے کی ترقی، آپ کے گھر کی ترقی، خاندان کی ترقی، قوم کی ترقی کی دعاؤں کے ساتھ آپ کا حج پورا ہو، یہ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اس سال کا حج بہت ہی ہسٹوریکل حج ہے، ایتہاسک حج ہے۔ ابھی خان صاحب بتا رہے تھے یہ آزادی کے بعد سے پہلا موقع ہوگا جب 175,000 سے زیادہ ہندوستانی مسلمان حج کرنے جا رہا ہے۔ اور خان صاحب میں آپ کو جانکاری کے لیے بتا دوں
पिछली बार सऊदी सरकार का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, पिछली बार लगभग 35,000 का कोटा हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का जो सऊदी गवर्नमेंट के साथ एक बहुत अच्छे रिश्ते हैं उसकी वजह से बढ़ा, और इस साल भी 5,000 का कोटा सऊदी अरब की सरकार ने हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए हज का बढ़ाया, यानी 2 सालों में लगभग 40,000 का कोटा बढ़ा है, और इंशाल्लाह आगे कोशिश भी हम करेंगे कि बढ़े। उसके अलावा जो है वो इसलिए मैं हिस्टोरिकल कह रहा हूँ कि बगैर सब्सिडी का हज हो रहा है, और किसी भी तरह की अब सब्सिडी की जो एक कहा जाता था कि क्यों सब्सिडी दी जा रही है, वो बगैर सब्सिडी का हज हो रहा है। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि सब्सिडी के खत्म होने के बावजूद अलग अलग टैक्सेस सऊदी सरकार के और हिंदुस्तान की सरकार के लगने के बावजूद हज कमेटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स और सऊदी गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन की वजह से जो हिंदुस्तान का के आलमीन हज हैं उन पर कम से कम किसी भी तरह का गैर ज़रूरी बोझ ना पड़े, ये हमारी कोशिश रही और इस कोशिश में हम काफ़ी अच्छा। अभी मैं अपने आपसे पूछ रहा था कि पिछली बार जो है वो मुंबई के इम्बार्केशन पॉइंट से 57,000 रुपीज का किराया था, और इस बार जो है वो अप्रॉक्सीमेट 58,000, यानी कि अगर आप सब कुछ मान लो GST भी खत्म हो गई, टैक्स भी लग गया, तो 1,000 या 800 का फर्क पड़ा है एक साल के बीच में। पिछली बार भी 15% हमने टैक्स दिए थे और इस बार जो है वो 18% है, तो 3% का इजाफा हुआ है, जिसकी हम कोशिश कर रहे हैं कि वो भी उसमें भी जो है वो राहत मिले, और सभी जैसा कि अभी जलवाई साहब ने कहा कि सभी जो है वो जितने भी मजहबी एक्टिविटीज़ हैं उसमें सब में राहत मिलनी चाहिए, तो उस सिलसिले में हम लोग बात चल रही है, वो 3% वो भी कम हो जाए एक चीज़। दूसरी चीज़ यह है कि इंशाल्लाह कोशिश है हमारी कि अगले साल जब हम आज़मीन हज को यहाँ से रवाना करें तो यहाँ से भी करें, और जो यहाँ का सी पोर्ट है जहाँ पर भी वहाँ से भी आज़मीन हज जा सके, और मैं सऊदी गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि सऊदी गवर्नमेंट ने शिप से आए हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं हज करने आए इसकी हमें इजाज़त दे दी है। हमारे जो शिपिंग मिनिस्टर हैं मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ गडकरी साहब का, कि वो बहुत इसमें हमें हेल्प कर रहे हैं, और उन्होंने तो यहाँ तक की कहा कि अगर ज़रूरत होगी तो हम अलग से स्पेशल 2-3 शिपिंग कॉर्पोरेशन की तरफ से बनवाएंगे और आपके हाजियों के लिए, हाज वजारत के लिए या उम्रे के लिए उसका इस्तेमाल कराएंगे। हमने ग्लोबल टेंडर डाल दिया है और ग्लोबल टेंडर में अलग अलग शिपिंग कंपनी उसमें अपना टेंडर भेज रही हैं। मैं मानता हूँ कि कोशिश है हम लोगों की कि 2019 का जो हज हो वो शिप से भी हो और हवाई जहाज से भी हो, इसकी हमारी कोशिश है। बहुत बहुत शुक्रिया और एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत हज मुबारक। हो रहा है हज 2018, ये एक हिस्टोरिकल हज है, और ये हज जो है वो जहाँ एक तरफ हिंदुस्तान से 1,75,000 से ज़्यादा हिंदुस्तानी मुसलमान हज करने जा रहा है, उसके साथ ही साथ ये बगैर सब्सिडी का हज हो रहा है, और सब्सिडी खत्म होने के बावजूद हमारी कोशिश है कि जो हिंदुस्तानी हजी है हज करने जा रहे हैं उन पर किसी तरह का गैर वाजिब बोझ न पड़े, और आज मुझे खुशी है कि मुल्क के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग गाँवों से लोग जो हैं वो जो फ्लाइट्स हैं वो जा रही हैं, और उसके साथ ही साथ इसलिए मैं हिस्टोरिकल कह रहा हूँ कि इस बार जो है वो हिंदुस्तान की जो महिलाएँ हैं मुस्लिम महिलाएँ वो भी बगैर महरम के हज करने गई हैं, और लगभग 1,500 महिलाएँ अकेले जा रही हैं, और जो यहाँ से जो है वो हज के लिए अरेंजमेंट के लिए लगभग 600 हज असिस्टेंट भेजे गए हैं, उसमें भी 100 से ज़्यादा महिलाएँ हैं। तो मैं बात करूँ कि ये हिस्टोरिकल है, और इंशाल्लाह खुशी है हमारी 2019 का जो हज होगा
वो हवाई जहाज के साथ साथ पानी के जहाज से भी हो सके इसके लिए सर कोटा भी बना दिया गया है, उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? कोटा जो है पिछले दो सालों में जो है वो लगभग जो है वो 6,000 से ज्यादा बढ़ा है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो चुप सरकार के साथ बेहतर रिश्ते हैं, बहुत अच्छे रिश्ते हैं। घटनाओं में शामिल है वो क्रिमिनल्स हैं, वो अपराधी हैं, वो समाज विरोधी हैं, और ऐसी ताकतों को ऐसे लोगों के खिलाफ कड़े से कड़े कानूनी प्रोविजन के तहत कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग इस समाज के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और स्टेट गवर्नमेंट्स को स्पष्ट तौर से केंद्र सरकार ने कहा भी है कि ऐसे लोगों को किसी भी तरह से नरमी नहीं होनी चाहिए, देश का सौहार्द, देश का भाईचारा हमारे लिए प्राय जो कानून है वो अभी अपने आप में सफिशियंट है और जरूरत होगा कि कैसा ना कैसा मैं और तमन्ना होती है कि मैं हज को जाऊं, मेरी हज पूरी हो जाए, सारे अरकान पूरे हो जाए, इसलिए सब लोग चाहते हैं जाने के लिए। कोटे की वजह से कुछ लोग इस साल जा नहीं पाए, अगले साल जाएंगे। कोटा भी बढ़ रहा है, पहले ही बढ़ गया है और बढ़ेगा, बीच में काम हो रहा था इसलिए कोटा कम था, लेकिन अभी वो तकलीफ है समझे ने दूसरे। इसी बात है कि शिप से भी अगले साल से लोग जाएंगे तो और मामला सस्ता हो जाएगा, तो गरीब आदमी भी जा पाएगा। मैं जाने वाले सबको बड़ी मुबारकबाद देता हूँ कि उनको एक मौका मिला, वहाँ जाने तक जाने की उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई। उन्होंने दुआ करना चाहिए कि देश में अमन और शांति रहे, कोई टेररिज्म ना हो, कोई लिंचिंग ना हो, ऐसा मैं चाहता हूँ। जिस तरह से बीजेपी सरकार सरकार ने नहीं ऐसा पहले जो कोटा कम था उसका उसकी वजह ये थी कि वहाँ काम चला था, फिर की जो इमारतें थी वो सऊदी अरेबिया के गवर्नमेंट ने वो इमारतें ढा डाली और वो सारा ये जो नमाज करते हैं पढ़ने के लिए जाते हैं वो जगह बहुत बड़ी हो गई, इसलिए कोटा बढ़ गया है। और यहाँ का जिस उन्होंने 2022 तक सब्सिडी का ये था, कोर्ट ने वैसा ही किया था, लेकिन इन्होंने पहले ही किया ठीक है, लेकिन GST नहीं लगाना चाहिए, ये हमारी मांग है। GST खाली हज का मामला नहीं है, जहाँ जहाँ जो जो मजहबी धार्मिक बात है वो हिंदुओं का होने दो, मुसलमानों का होने दो, क्रिश्चनों का होने दो, सिखों का होने दो, पारसियों का होने दो, जैनों का होने दो, बुद्धिस्ट का होने दो, सबके पर GST लगाना गलत है। समय राज्यसभा में का और हमारे जो मंत्री हैं वो मंत्री इस कोशिश में है अगले साल ये GST नहीं होगा, ऐसा ऐसी ख्वाहिश में करता हूँ। स्पीकर के बारे में बहुत सारी कंप्लेन है, मैं तो ये कहूँगा कि सुबह का जो अजान होती है उसका आवाज़ कम करना चाहिए, और कई मस्जिदों में आवाज़ कम भी किया है। हम क्या मुसलमान कोई किसको तकलीफ़ देने के लिए सर नहीं करता, वो अल्लाह ताला का हुक्म है, इसलिए अजान से वो लोगों को बुलाने का काम करते हैं। मैं ये कहूँगा जहाँ हिंदू बस्ती है, दूसरी समाज की बस्ती है, वहाँ वो आवाज़ थोड़ा कम होगा तो चलेगा, मुसलमानों के हद तक आवाज़ जाएगा चलेगा। तो ये कई जगह कई मस्जिदों में आवाज़ कम भी करने का चला है, पूरी तरह से लाउड स्पीकर बंद करने की बात करना मेरे ख्याल से गलत है। सबसे पहली बात तो हर साल शादी, इस साल शादी मुंबई बार थ्री टेन भरी जा रहा है, मतलब करीब करीब 15-16,000 साल तो 6,000 तो इसलिए जाती है। सब्सिडी खलास करने के बाद ऑप्शन रखा गया तो लोगों ने मुंबई बार विलन पॉइंट का इसलिए सुना कि यहाँ सब्सिडी लगती नहीं, 0 पॉइंट में यहाँ से बाकी सब जगह से फिर एयर फेयर भी सब्सिडी का बहुत बड़ी 40,000
फेंकने के नियम से बची है, पांच दिन क्या हुआ कि मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारे जो एम साहब है एक मांग की थी कि 25,000 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया जाए, ट्रस्ट कमिटी ऑफ इंडिया को, ताकि उससे हम एयरक्राफ्ट खरीदें और 10 महीना लीज पे चलाए उसको, 2 महीना हज मिशन के, तो हज हमारा बहुत सस्ता हो जाएगा कि 2,50,000 में लोग जाते हैं, तो मैं समझता हूँ 1.5 लाख में ही हज, ये हमने मांग की थी। हज कमेटी ऑफ इंडिया को दिया गया था कि हमने कहा था कि 25,000 करोड़ आप अगर देंगे तो ये एयरक्राफ्ट आपके अंडर में रहेंगे, और हज कमेटी ऑफ इंडिया के जो हज जाने वाले उनसे कहा, तो आज तक उसके मैंने ये मांग की। कांग्रेस के लोगों ने इन चीज़ों को 60 साल में सभी समाज के लोगों को डेवलप करने